रंगरेज की आवाज करे झूठ को बेनकाब, सलाखों में होंगे गुनेगार, हमारे कैमरे में ही जुल्म करने वाला अधिकारी, अब मिलेगा इंसाफ, खबर शत प्रतिशत सच। देखते रहिए रंगरेज की आवाज। रंगरेज की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दुखद और चिंताजनक विषय पर बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, भारत में पिछले कुछ 6 सालों से हिंदू मुस्लिम हिंसा बती जा रही है। हम आज के वीडियो ऐसे ही एक घटना पर बात करेंगे। ये घटना है दिल्ली की जहांगीरपुरी की, जहां हनुमान जयंती पर हिंदू मुस्लिम के बीच में हुए फसाद में कई मुस्लिम लोगों को पुलिस ने जेल में बंद किया। ये कहना है उन लोगों के मुस्लिम महिलाओं का, सुनिए वीडियो। अंगीरपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर का मंजर। हम रोजा रखे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ये है हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में गिरफ्तार लोगों का परिवार। ऐसा सोचा भी कैसे, हमें धक्का मार रहा था, लेडीज को लाठी चार्ज कर रहे लेडीज के ऊपर। हाँ, ऐसा ऐसा पूरी शासन है, हमारा सुरक्षा ऐसे होगा? हाथ में तलवार पिस्टल है, पता नहीं क्या क्या, फिर ये हिला हिला के दिखा रहे, कह रहे हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम का नारा लगाना होगा। लिखा हुआ ग्रीष्म पर लिखवा दो वहाँ पे। मुसलमान को बंद करा, हिंदू को तो एक को भी नहीं बंद करा, लड़ाई तो दोनों जिनमें लड़ाई हुई ना। तो ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों में आम बन चुकी है। हर दिन देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक को दबा कुचला जा रहा है। वीडियो में जो परिवार है उनका कहना है कि उनके लोगों को बिना बजाए जेल में बंद किया जा रहा है। जिन लोगों की वजह से ये फसाद हुआ उन्हें तो पुलिस ने कुछ नहीं किया और हमारे आदमी को बिना किसी बात पे जेल में डाल दिया। वो परेशान है। इसी परिवार की तरह देश भर में कई मुस्लिम परिवारों के ऊपर रोज कहीं ना कहीं जुल्म हो रहा है। ये स्थिति हमारे समाज की सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है। धार्मिक समुदायों को ऐसे भय का सामना करना पड़ रहा है जो उन्हें अपने धार्मिक अधिकारों से वंचित कर रहा है। हमें साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करना होगा। हमें धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में सभी का समर्थन करना होगा। रंगरेज की आवाज करे झूठ को बेनकाब, सलाखों में होंगे गुनेगार, हमारे कैमरे में ही जुल्म करने वाला अधिकारी, अब मिलेगा इंसाफ, खबर शत प्रतिशत सच। देखते रहिए रंगरेज की आवाज़।